आई एम मोहम्मद अज़हरुद्दीन शेख। आज हम देखेंगे MSCIT एरा का सेशन नंबर 49, टेक अ चैलेंज। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, ये सवाल ईमेल का है। यूज़ अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू सेंड द बिलो ईमेल मैसेज फ्रॉम द गिवन विंडो। इस दी हुई विंडो से हमें ईमेल का मैसेज सेंड करना है। तो ये ईमेल का एक डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पर ईमेल में इनबॉक्स से सारे आने वाले मेल्स हमें यहाँ पर दिखते हैं। जिन मेल को हम पढ़ लेते हैं वो ग्रे हो जाते हैं, जिन मेल को नहीं पढ़ते तो वो डार्क दिखते हैं, ब्लैक में। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज होती है, प्राइमरी मेल्स, सोशल मेल्स, प्रोमोशनल मेल्स। यहाँ पर से चेक करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस होते हैं, चेक बॉक्स, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक्शन अप्लाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। यहाँ से रिफ़्रेश शायद ये है, तो इस तरह से ऑप्शंस होते हैं। स्टार्ट, यानी अगर हम इस पर स्टार पर क्लिक कर दें, अगर ये हमारे काम का है तो वो स्टार्ट सेक्शन में चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपको आसानी होगी, उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, स्टार्ट में आप देख सकेंगे। सेंड मेल में हमने जितने मेल सेंड किए हैं वो वहाँ पर दिखेंगे। ड्राफ्ट में अगर हम कोई मेल सेंड कर रहे हैं इस तरह, अगर हम क्लोज़ कर देते हैं तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है। मोर टूल पर जब हम क्लिक करेंगे तो अलग अलग टूल्स आएंगे, और वहाँ से स्पैम में भी कभी कभार कुछ ईमेल जा सकते हैं, जिसमें कुछ लिंक्स हो सकती है, कुछ EXE फाइल्स हो सकती है, उसे वो ब्लॉक करके स्पैम में डाल देता है। स्पैम ये गैर ज़रूरी मेल्स होते हैं, या फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट उसे कैटेगरी देकर स्पैम में डाल देता है, ताकि आपका सेफ रहे ईमेल वायरसेस से। यहाँ पर जो लोग हमारे कांटेक्ट में है, और अगर हमने उनसे चैट किया है तो यहाँ पर ऑनलाइन है या नहीं दिखता है, तो हम उनसे चैट कर सकते हैं वहाँ से। तो ये ईमेल का गेटवे है। अगर हमें पासवर्ड बदलना हो ईमेल का तो यहाँ से हम बदल सकते हैं। ये यहाँ से 1 of 24 मेल्स है, अगर ज़्यादा मेल हो तो हम यहाँ से आगे जा सकते हैं। तो इस तरह से मेल का गेटवे था। नया मेल भेजने के लिए हमें कंपोज पर क्लिक करना होगा। कंपोज पर क्लिक कर हम यहाँ पर 2 में एड्रेस डालेंगे सामने वाले का, और बाकी यहाँ पर CC और BCC होता है। तो CC से कंपोज 2 का ऑप्शन होता है ये, तो कंपोज 2 से हम सामने वाले को एक कॉपी सेंड कर सकते हैं, कॉपी 2 में रख कर, तो उसे भी कॉपी मिलेंगी। BCC में आई थिंक वो कॉपी रहेगा लेकिन सामने वाले को दिखेगा नहीं किसे भेजा है। और यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा, एक मरतबा आप कंफर्म कर लीजिए BCC। और यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा कि क्या नाम से आप भेज रहे हैं, क्या सब्जेक्ट से दिखना चाहिए सामने वाले को। जैसे ये सब्जेक्ट्स आते हैं ऊपर, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये ईमेल पूरा टाइप करने के बाद हम इसे सेंड कर सकते हैं। यहाँ से बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं हम फॉर्मेटिंग। यहाँ से अटैचमेंट दे सकते हैं। अटैचमेंट से होगा ये कि हमारी कोई भी पिक्चर फाइल, कोई डॉक्यूमेंट हम यहाँ से सेंड कर सकते हैं, कोई फोल्डर भी सेंड कर सकते हैं कॉम्प्रेस करके, और यहाँ से गूगल ड्राइव पे सेंड कर सकते हैं। यहाँ से पिक्चर इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, जो लिखा है उसमें ही पिक्चर इंसर्ट हो जाएंगी, स्माइलीज वगैरह दे सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं ड्राफ्ट में जो जा रहा है। तो हम यहाँ से अभी सेंड कर देंगे, इस सवाल में सिर्फ सेंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू व्यू इनकमिंग ईमेल्स फ्रॉम इन द गिवन विंडो। इस विंडो से हमें इनकमिंग ईमेल देखना है। यहाँ पर टाइम लिखा होता है ईमेल का, और ईमेल पढ़ने के लिए हम कोई भी मेल पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कितने GB हमने यूज़ किया है डेटा वो लिख कर आता है नीचे, 0.3 GB। अगर हम ड्राइव का उसका इस्तेमाल करते हैं तो 15 GB का स्टोरेज फ्री मिलता है जीमेल पर। गूगल ड्राइव में भी हम करके रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर से इनबॉक्स पर क्लिक करेंगे, इनबॉक्स से यहाँ पर दिख जाएंगे न्यू मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएंगे। यू हैव टाइप्ड मैसेज टेक्स्ट इन द न्यू मैसेज विंडो, नाउ यू वांट टू फॉर्मेट योर मैसेज टेक्स्ट बाय यूजिंग वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। टू डू सो हाउ विल यू अप्लाई अंडरलाइन स्टाइल टू द सेलेक्टेड मैसेज टेक्स्ट। हमारा यहाँ पर जो मैसेज टेक्स्ट है सेलेक्ट किया हुआ, उसे हमें अंडरलाइन स्टाइल देना है। अंडरलाइन स्टाइल देने के लिए हम अंडरलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर से सेंड के बाद जो ए है बना हुआ वहाँ पर क्लिक करेंगे।
उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से ऐसे फॉर्मेटिंग खुल जाएंगी, जिसमें हम फॉन्ट का नाम ले सकते हैं और बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, उसका कलर दे सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से अंडरलाइन लेंगे, जिस पर अंडरलाइन अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिंट बिलो मैप यूजिंग प्रिंट टेक्स्ट ओनली ऑप्शन। आप इस मैप को प्रिंट ओनली ऑप्शन से कैसे प्रिंट देंगे? तो ये मैप है, वहाँ पर मैप के ऊपर एक ऑप्शन आता है प्रिंट का, तो इस प्रिंट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और वहाँ से सेलेक्ट करेंगे प्रिंट टेक्स्ट ओनली। प्रिंट टेक्स्ट ओनली, इस तरह से हम करके प्रिंट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वॉन्ट टू सेव योर वर्क लोकेशन इन योर प्लेसेस टू एक्सेस देम मोर इजीली व्हाइल सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन द गूगल मैप, यूज़ अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू सेव वर्क लोकेशन इन द बिलो मैप। इस मैप में हमें वर्क की लोकेशन सेव करनी है यूआर प्लेसेस की, तो इसमें से हम कहाँ से अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पर सेव लिखा है, आंध्र प्रदेश आ रहा है ऊपर, तो हम यहाँ पर सेव जो लिखा है उस पर क्लिक करेंगे, तो नहीं आ रहा है। उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि कैसे हो सकता है। अब की बार हम यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे, जो सबसे नीचे है इस तरह से सेटिंग, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यूआर प्लेसेस लिखा है, यूआर प्लेसेस पे हम जाएंगे और यहाँ पर ये सेफ यहाँ पर आ रहा है प्लेसेस, सेट होम लोकेशन वर्क लोकेशन है। तो यहाँ से क्वेश्चन के अंदर सेव योर वर्क लोकेशन लिखा है, वर्क लोकेशन, तो हम यहाँ से वर्क पर क्लिक करेंगे, सेव वर्क लोकेशन, वहाँ पर वर्क लोकेशन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल इज मेजर्ड इन। कैपेसिटी जो होती है कम्युनिकेशन चैनल की, वो बैंडविड्थ में मेज़र की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल सेवरल यूजर्स कैन साइमल्टेनियसली यूज अ सिंगल कनेक्शन फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र। इनमें से कौन से कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल करते हुए यूज़र्स एक साथ में सिंगल कनेक्शन से हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो ब्रॉडबैंड उसका जवाब है, लास्ट ब्रॉडबैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वॉन्ट टू कस्टमाइज द डिस्प्ले स्क्रीन्स यूजिंग द एक्सटेंड ऑप्शन, व्हाट स्टेप्स शुड यू फॉलो। आपको एक्सटेंड ऑप्शन से स्क्रीन एक्सटेंड करनी है, तो आप कौन सा ऑप्शन इसमें से इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पर नीचे लिखा है मल्टीपल डिस्प्लेस, डुप्लीकेट दिस डिस्प्लेस, तो डिस्प्ले का ऐप सेक्शन है, वहाँ से हम एक्सटेंड दिस डिस्प्ले करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक वांट्स टू व्यू कोर्सेस ऑन डेटा एनालिटिक्स, व्हाट स्टेप्स शुड ही फॉलो। विवेक को कोर्सेस देखना है डेटा एनालिटिक्स में, तो डेटा एनालिटिक्स में जाने के बाद वो कैटलॉग पे क्लिक करेगा, यहाँ पर कैटलॉग है, कैटलॉग पर क्लिक कर देने के बाद और ऑप्शन आएगा, वहाँ से यहाँ पर लिखा है लास्ट में डेटा एनालिटिक्स, तो डेटा एनालिटिक्स पर क्लिक करने के बाद हम उसे सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से विवेक डेटा एनालिटिक्स पर जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहीर वांट्स टू अप्लाई फॉर हिज फ्रेंड्स फादर्स डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन, व्हाट इनिशियल स्टेप्स शुड ही फॉलो। अगर जहीर को उसके
फ्रेंड के फादर का डेथ सर्टिफिकेट को अप्लाई करना है, तो डेथ सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर वेबसाइट है crsorgi.gov.in वेब। तो यहाँ पर बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है, वहाँ से दो ऑप्शन है यहाँ पर, बर्थ एंड डेथ। तो डेथ के लिए वो डेथ पर क्लिक करेगा और वहाँ से ऐड डेथ रजिस्ट्रेशन वहाँ पर क्लिक कर देगा। तो इस तरह से वो फिल कर सकता है फॉर्म ऑनलाइन। तो ये था हमारा सेशन नंबर 49 का टेक अ चैलेंज। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेशन एंड टेस्ट देखेंगे। थैंक यू।